जिस गुड्डू मुस्लिम को यूपी पुलिस और एसटीएफ दिन रात तलाश कर रही है, जो गुड्डू मुस्लिम 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड में बम से हमला करने के बाद फरार है, जिस गुड्डू मुस्लिम के जल्द एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, उसके नाम की चिट्ठी से लखनऊ पुलिस में हड़कंप मच गया है। गुड्डू मुस्लिम के नाम से मिली एक चिट्ठी में लखनऊ के आलमबाग में रहने वाले भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कल मैं चाय पीने के लिए आशियाना में रुका तो मेरी जब गाड़ी से उतरा तो देखा कि गाड़ी के पीछे वाइपर में एक चिट्ठी लगी हुई थी, एम्बुलप लगा हुआ था, तो उसको निकाल के जब देखा गया तो उसमें एक धमकी भरा पत्र था, जो ये पत्र था उसमें एक धमकी भरा, और उसमें लिखा हुआ था कि आपको 20 लाख रुपए देना है कल प्रयागराज जाके। और भाभी ने कहा है अभी अतीक जी सांसद जी ही नहीं है, बाकी सभी लोग हैं, और इसको हल्के में ना लो नहीं तो जान से मार दिया जाएगा, और अगर पुलिस को भी सूचित करने की कोशिश की तब भी जान से मार दिया जाएगा। और उसमें तमाम सारी बातें लिखी हैं स्लॉटर हाउसेस को लेकर कि मेरा आमदनी कम हो गई है हम लोगों के वर्ग की, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम है उसमें और अमिताभ यश सर का भी नाम है उसमें। देवेंद्र तिवारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के नाम से लिखी चिट्ठी रात में उनकी गाड़ी पर किसी ने लगा दी थी। इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम के नाम से धमकाने वाले ने अतीक की मौत का भी जिक्र किया। चिट्ठी में लिखा है कि सांसद जी मरे हैं लेकिन हम लोग अभी जिंदा हैं, 20 लाख रुपए लेकर इलाहाबाद पहुंचकर हमारे आदमी को दे दो वरना इतनी गोलियां मारेंगे, अभी तू हमें जानता नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार हमले हो चुके, कई बार ऐसे पत्र आ चुके हैं, और हर बार टाल मटोल करके किसी न किसी तरह से किसी भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है। तो सरकार से निवेदन है कि उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे मैं गौ संरक्षण और किसानों के लिए कार्य भी कर सकूं, और जिन लोगों ने ये किया है उन्हें भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनकी भी अरेस्टिंग हो। बाकी क्या कुछ लगता है आखिर ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, क्यों ये जो है आपको इस तरह से पत्र भेजा गया, क्या इससे पहले कभी गुड्डू मुस्लिम द्वारा या किसी इलाहाबाद से कोई संपर्क रहा है आपका या? नहीं, मेरा तो संपर्क किसी इन लोगों से कभी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ गौ संरक्षण का कार्य और किसानों के लिए कार्य करता हूँ, जिसके लिए मैं लगातार जमीनी स्तर पर घूम घूम कर हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जाकर गौशालाओं की स्थिति के बारे में, क्योंकि वो PIL मेरी माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वो डीम प्रोजेक्ट है गौशाला का, इसीलिए मैं रात दिन उस पर काम करता हूँ। और कल से जब से धमकी मिली है मेरे घर वाले भी बहुत परेशान है, आस पड़ोस के लोग भी दहशत में है। चिट्ठी में SCF के ADG अमिताभ यश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी अपशब्द लिखे गए हैं। गुड्डू मुस्लिम के नाम से चिट्ठी भेजकर धमकाने वाले ने यह भी लिखा है कि मैं तुम तीनों को मारकर ही मरूंगा, हमारी पहुंच अंडरवर्ल्ड तक है, अगर पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, तेरी वजह से हमारा खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य हमलावर और साजिशकर्ता गुड्डू मुस्लिम फिलहाल फरार है, उस पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है, SCF और यूपी पुलिस दिन रात उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, उसके घर पर बुलडोजर चलाने का नोटिस भी पुलिस चस्पा कर चुकी है। पुलिस गुड्डू मुस्लिम के नाम से भेजी गई चिट्ठी की जांच कर रही है, अगर ये सच में गुड्डू मुस्लिम ही है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।